हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फूड स्टफ। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त यूसुफ हुसैन कातिब, और आपको खुशामदीद कहता हूं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम मौजूद हैं पहलवान गोट में, पहलवान गोट कब्रिस्तान के बिल्कुल ऑपोजिट, और जो फूड जॉइंट, जो रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है द फूड प्लेनेटेरियम। द फूड प्लेनेटेरियम क्या है? एक रेस्टोरेंट है विद अ वेरी वाइड मेन्यू। बहुत सारे आइटम्स हैं, बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, और बड़े यूनिक आइटम्स हैं। और किस तरह तैयार हो रहे हैं, क्या कुछ है ऐसे आइटम्स जो आपने इससे पहले कभी डिस्कवर नहीं किए होंगे, कभी देखे नहीं होंगे, तो सब आपके साथ शेयर करेंगे, रिव्यू भी शेयर करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। तो बस हम अंदर की तरफ दाखिल होने लगे हैं और देखते हैं, मालूम करते हैं कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमेर। उमेर भाई, ये मुझे बताएं कि बड़ी हाइप सुनी आपके इस फूड जॉइंट की, तो हमने डिसाइड किया कि आज यहाँ पर विज़िट किया जाए। क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या हिस्ट्री है, कब शुरू किया था, और क्या वजह है कि लोग कशा कशा खींच चले आ रहे हैं? वालेकुम सलाम। बेसिकली स्टार्ट हमने किया था तकरीबन आज से साढ़े तीन चार साल पहले। अच्छा। अपने एरिए से स्टार्ट किया था बेसिकली, अपने एरिए से डालने से, तो वहाँ से ये कि एरिए के हिसाब से जो हमने अपना टेस्ट अपना किया। अच्छा, जो नहीं भी खा सकता था रिजनेबल प्राइस में वो लोग भी खाते हैं। जैसे ब्रांड्स वगैरह पे मिलता है, बर्गर लैब हो गया, दूसरे कोई भी एक्सपर्ट है, उनमें जो चीज़ मतलब एक्सपेंसिव मिलती हैं, जो नहीं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे फूड प्लेनेटेरियम में सेम वही चीज़, वही क्वालिटी, वही सॉसेजेस, वही टेस्ट आपको यहाँ से मिलेगा। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जैसे एक क्लास डिवाइड हो गई है ना, कि यार हार्डीज़ में जो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ KFC में मिल रही है, जो चीज़ मैकडॉनल्ड में मिल रही है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर वही सेम टेस्ट रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए तो यही इनका खासा है। ये उसी तमाम टेस्ट को, वही तमाम चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में आपको सेम विद सेम क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं आपकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या? स्पेशलिटीज़ में हमारे सिंगर्स हैं, सबसे पहले तो प्लान स्पेशल सिंगर पिज़्ज़ा सिंगर जो बहुत मशहूर है, उसके बाद जो है बीफ में पिज़्ज़ा सिंगर, पिज़्ज़ा सिंगर, तो ये पिज़्ज़ा और सिंगर दोनों का कॉम्बिनेशन। और मैं समझता हूँ कि ऐसे एरिया में, ऐसी लोकेलिटी में आपको रिसर्च बेस्ड फास्ट फूड मिलना और ऐसे आइटम्स मिलना जो आपने इससे पहले ना सुने ना देखे, बहुत कमाल की बात है। तो बस हम डायरेक्टली जो है वो किचन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद है शेफ़ ज़ुबैर। कैसे हैं आप? खैरियत से? तो यही इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कौन कौन से ऐसे यूनिक आइटम्स हैं जो आज हम ट्राई करने वाले हैं, और ऐसे आइटम्स जो ना देखे ना सुने। तो किचन में चलते हैं, दिखाते हैं आपको किचन की मनाज़िर कैसे हैं, और साथ में आइटम से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो किचन का माहौल आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त किचन बना हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ अंदर इतनी सारा स्पेस होगा। और यहाँ पर देखें आप, हॉट प्लेट्स हैं, यहाँ फ्राइज़ मौजूद हैं, फ़ास्ट फूड के फ्राइज़ के और जिंगर के, और वहाँ पर जो है वो मैरिनेशन का सेटअप है, यहाँ पैकेजिंग का सेटअप है, वहाँ फ्रिज वगैरह, सॉसेज और सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त स्टैकअप हुई हुई हैं, अच्छे तरीके से जो है वो बिल्कुल सारे सॉसेज वगैरह, मसाले वगैरह बड़े अच्छे से स्टैकअप हुए हैं। तो भाजी आप बैठ क्यों रहे हैं? आप खड़े हो जाएं, आप आ सकते हैं कैमरे, आप भी आ सकते हैं कैमरे, आपको भी कोई मसला। ये आप सारे PR इस बंदे को भेज सकते हैं। PR का मतलब तो आपको पता होगा, पर्सनल रिलेशन। रिजवान, ये इनका पर्सनल रिलेशन मैनेजर है। जितने भी इनके रिलेशन होते हैं, खराब होते हैं, ये जिम्मेदार है। ईमेल नंबर नंबर दे दूँ आपका, ये भी आपको मैसेज करेंगे। 09007860। तो सबसे पहले शेफ़ मुझे आप ये बताएं कि कौन कौन से आइटम्स तैयार कर रहे हैं। मैं आप लोग को चार आइटम दे रहा हूँ, जैसे कि बीफ में मेरा स्पेशल है डबल चीज़ी और सॉसी। अच्छा, खुद ही देखेंगे जब तैयार हो के आपके सामने आए। बीफ डबल एटॉमिक, जी डबल एटॉमिक। और उसके बाद एक ड्रैगन क्रंच है जो चिकन में आता है, मेरे को क्रंची लाइक अ ब्रेड क्रम्ब कोटिंग होती है। अच्छा, वो एक जबरदस्त। और एक मेल्टिंग चीज़ है मेरा जो चीज़ी है, मेल्टिंग चीज़, ठीक है। और एक मैं आपको दूंगा यूनियन रोड हाउस, जिसमें टू टाइप्स ऑफ सॉस है और टू टाइप्स ऑफ चिकन क्रंच है। अच्छा, यूनियन रोड हाउस, यूनियन। तो नाम आपने चारों आइटम्स के सुने, बड़े यूनिक और बड़े ज़बरदस्त के नाम है, और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जैसे नाम यूनिक है, प्रोडक्ट भी यूनिक होगा। तो चलते हैं मेकिंग की तरफ।
जी तो नाज़रीन मोहतरम, आप देख सकते हैं कि हमारी सर्विंग हो गई है और बनफ्से नफीस खुद शेफ़ लेकर आए हैं अपने मुबारक हाथों से। तो आप साथ साथ मुझे बताएं कि क्या क्या आइटम रहे हैं। ये दोनों, ये डबल एटॉमिक बीफ है, ड्रैगन क्रंच। ओ हो, आप फ्लेवर है। अच्छा, तो आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं दोनों की कितनी खूबसूरत है और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलेक्टेबल, पीकेंट और डिलीशियस लग रहे हैं। ये डबल एटॉमिक डबल बीफ पैटी के साथ ये तैयार होता है और ये ड्रैगन क्रंच। तो भाई सबसे पहले हम बढ़ते हैं डबल एटॉमिक बीफ बर्गर की तरफ और इसका टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है स्पेशल सॉस के साथ। ये देखें आप कितना कोई ये चीज़ी हो रहा है और वेट में भी ये अच्छा खासा भारी है। तो मैं इसका फर्स्ट बाइट लेके आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। वैसे ही हो रहा है लेकिन इतना कोई फ्लेवरफुल और टेस्टफुल है, बहुत कमाल है। तो बड़ा इसका ज़बरदस्त फ्लेवर है और मैं ख़ास बात पता चलूँ कि जो इनकी बीफ पैटी है ना वो बहुत फ्लेवरफुल है। कोई वाली ऐसी नहीं है कि उसमें आप खाओ तो बीफ की स्मेल आ रही होती है, बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत अच्छा है और अगर आप बीफ लवर हो तो आपके लिए ये मस्ट ट्राई है। तो अब डबल एटॉमिक बीफ बर्गर में ट्राई कर लिया और नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर ड्रैगन क्रंच बर्गर। और इन बर्गर्स को खाना भी इनके साथ जो है वो जंग करने के मुतरादिफ है। तो मैं इसको उठाता हूँ और इसके सीन दिखाता हूँ आपको। ये देखें चिकन क्रंची पैटी विद ओवरलोडेड चिपोटले सॉस और उसके ऊपर सारी गार्निशिंग हुई भी है ऑलिव्स की, मशरूम्स की। तो इसको खाना भी इम्तिहान है। बट मैं इसका बाइट लेकर अच्छे, जो चिकन है वो बहुत अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हुई हुई है और उसके ऊपर जो क्रिस्पी कोटिंग है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड कोटिंग हुई हुई है, बहुत लाइट सी कोटिंग हुई हुई है और क्रिस्पी अंदर तक जूसी चिकन है और फ्लेवर अंदर तक आ रहा है। और साथ में इन्होंने जो सॉस की लेयर लगाई, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। सॉस की लेयर है और क्रिस्पी फ्राइड अनियन है और उसके ऊपर एक चीज़ की लेयर है, चेडर चीज़। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये फुली लोडेड है यार तो ये गलत ना होगा। और अगेन जस्ट लाइक बीफ बर्गर ये भी बहुत एडिक्टिव है, एक दफ़ा खाने के बाद आप छोड़ नहीं सकते। तो भाई पार्शल सर्विंग का रिव्यू हमने आपको दिया टेस्ट करके और दोज टू बर्गर्स वर टू टेस्टी टू डिलीशियस। और अब इन्होंने दो आइटम्स और सर्व कर दिए। एक तो आप देख सकते हैं कि ये इनका जाइंट सैंडविच है, जाइंट ये है इनका प्लेनेटेरियम जंबो सैंडविच जिसकी आप लेयर्स और जिसका आप साइज देख सकते हैं। थोड़ा सा क्लोजअप करके इसको दिखाएंगे कितना जाइंट है ये। और साथ में यहाँ पर मौजूद है इनका रोड हाउस, यूनियन रोड हाउस बर्गर जो कि आप देख सकते हैं उसका साइज़ भी बहुत जाइंट है और बहुत सारी लेयर्स और बहुत सारी फिलिंग है इसमें। तो यूनियन रोड हाउस सबसे पहले मैं ट्राई करने वाला हूँ इनका बर्गर और आप इसका साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा है। और इसमें एक चिकन की पैटी है और एक इसमें क्रिस्पी जिंगर की चिकन पैटी है और दूसरी वही पैटी है जो ड्रैगन क्रंच में थी चिकन की और साथ में सॉसेज, एल्पिनो, चेडर चीज़। सो इसको ट्राई करना भी एक बड़ा ज़बरदस्त मरहला है। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली अच्छी न्यू इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो आप तक बस बस आसानी पहुंच सके।